ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं जो बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट्स थी, लेकिन जाहिर है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई को पॉपुलर स्टेटमेंट्स नहीं देने, दूरस चीजें हैं वो करनी चाहिए जिसका कि फायदा पाकिस्तान की आवाम को हो। एंड आई टोटली अग्री विद यू 100% कि खान साहब आप कह रहे हैं जादू का चिराग, उनके पास उनको टाइम लगेगा चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहे हैं उसका कितना फायदा इमीडिएटली होगा ये भी जाहिर है कि देखना पड़ेगा ना। मसलन ये कि ब्यूरोक्रेसी के कैसे वो अमल दरामद करेगा, कमाल है। डॉक्टर साहब आजमा शिराजी, इतनी बेचैनी के 7 दिन में आप देखना चाहती हैं, इससे ज्यादा जो हुआ है आई विल बी सरप्राइज। 7 दिन के अंदर प्रोटोकॉल ऑस्टेरिटी, इतने बड़े बड़े काम हुए जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आप चाहती हैं 7 दिन में डैम बन जाए, आप चाहती हैं कि 7 दिन में पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएं, खुदा के वास्ते यार, मतलब आपने मीडिया ने अपना क्रिटिसिज्म तो करना है हाँ। मगर किसी उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल बात तो करें आप। अगर इन 7 दिनों के अंदर, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 100 डेज, मैं कह रही हूँ 100 डेज में होना है, और आपने खुद कहा कि उसका एजेंडा अभी सेट होगा ना, हम तो उस एजेंडे की बात करें। मसलन खुर्शीद शाह कहते हैं जी बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस वो आते हैं, खान साहब हेलीकॉप्टर पे आते हैं, वो खान साहब कहते हैं मैं प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहता, जो कि वो सही कहते हैं। अब मसला ये आपने कहा जी, अगर इसमें फंस ना जाए, आप इसमें फंस नहीं जाइए, क्योंकि आपने 5वीं 6वीं मरतबा हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है। आई थिंक द मैसेज इज देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सबर कर लो।